इंडिया में डॉक्टर को भगवान समान माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से साधु संत लोग नकली भगवान बन के घूमते हैं, उसी तरीके से इंडिया में नकली डॉक्टर भी हैं? अगर नहीं तो ये न्यूज देखिए। दिल्ली के एम्स में पकड़ा गया है एक फर्जी डॉक्टर। देश के इस जाने माने अस्पताल में ये फर्जी डॉक्टर मरीजों को जल्दी इलाज करा देने का भरोसा देता था और इसके बदले पैसे भी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से एक कंप्लेंट मिला है, जिसमें एक 25 साल का आदमी रितज त्रिपाठी, जो कि दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाके का रहने वाला है, वहाँ भी किराए पर रहता है, वो अपने आप को एम्स में कार्यरत एक डॉक्टर का परिचय दे करके, अपने आप को डॉक्टर बता करके पेशेंट्स को अप्रोच। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब से तकरीबन एक साल पहले दिल्ली में झोला छाप डॉक्टर्स यानी क्वैक्स की तादाद तकरीबन 40,000 थी। जी न्यूज़ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो बताइए आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप भाग क्यों रहे हैं? अपना नाम तो बताओ। अरे कुछ नहीं हो रहा यार, आप इस क्लिनिक को आपने बंद करने का ऑर्डर था आपको है? क्यों नहीं बंद किया आपने अब तक? आपने क्लिनिक बंद क्यों नहीं किया अब तक? कौन सा डिग्री कौन सा है आपके पास? इस क्लिनिक में एक शख्स डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था। शख्स के पास न तो डॉक्टर की कोई डिग्री थी, न इलाज करने का कोई अनुभव। लोगों ने बताया कि यह आदमी खुद को डॉक्टर बताता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी दवा देता है। इंडिया में डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसका नाम है नीट, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर 2022 के डेटा की बात करें तो इंडिया में लगभग 91,927 सीट्स थी MBBS के लिए, आउट ऑफ विच 48,000 वर फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड अप्रॉक्स 44,000 फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम 600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 720 इन नीट एग्जामिनेशन, और अगर आपके उससे कम आते हैं तो आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, जिसकी फीस होती है 60 लाख प्लस, अप्रॉक्स 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और अगर आप कैसे भी ये मैनेज करते हैं कि आपको 600 प्लस मार्क्स मिल जाए तो आपको मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसकी लिस्ट ये है, और इनकी फीस होती है 1600 से लेकर लगभग 12 लाख रुपए तक। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, अगर आप WHO की मानो तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ये आंकड़ा अचीव कर लिया है। इनफैक्ट वो कहता है कि हमारे पास 800 लोगों पे, अप्रॉक्स 850 लोगों पे हमारे पास एक डॉक्टर है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंडिया की टोटल पॉपुलेशन देखें, जो कि अप्रॉक्स 140 करोड़ है, और टोटल डॉक्टर देखें जो कि 10 लाख है, और इसको डिवाइड करें तो लगभग 14,000 का आंकड़ा आता है, मतलब 14,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो आई डोंट नो कि ये कैलकुलेशन होती कैसे और कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि 850 लोगों पे एक डॉक्टर है। अगर आप इस डेटा को भी ना देखें तो आप डायरेक्टली जाके कोई भी गांव में देख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, कितने डॉक्टर है, कितने नहीं है। हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन वहां पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर है भी तो वो मनमानी छुट्टी मारते रहते हैं। हर साल इंडिया में 6 से 8 लाख बच्चे नीट के लिए अपीयर होते हैं, और उनमें से सिर्फ 91,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट सिर्फ 90-91,000 ही होती है। बाकी बचे हुए लोग या तो फिर BSc नर्सिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, और उनमें से भी बाकी बचे हुए में से लगभग 20 से 25,000 बच्चे फॉरन जाते हैं MBBS करने के लिए। इन 20 से 25,000 बच्चों में से लगभग 60% बच्चे चाइना, रशिया और यूक्रेन जाते हैं। क्यों? इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही कम है, अप्रॉक्स 35-40 लाख में MBBS हो जाती है, और वहां पे नीट एग्जामिनेशन जैसा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है, डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। बाकी बचे 40% बच्चों में से मोस्टली वो होते हैं जिन्होंने अपनी 12th IB बोर्ड से करी है, और वहां पे 2 से ज्यादा साइंस सब्जेक्ट लेने की अनुमति नहीं होती है, और अगर हम नीट की तरफ देखें तो वहां पे मिनिमम 3 साइंस के सब्जेक्ट होने ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 20 से 25,000 लोग बाहर MBBS करने के लिए जाते हैं, एक दिन वो इंडिया आते हैं, और अगर उन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसके मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट होते हैं, अगर वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। फर्जी डिग्रियों को असली दिखाने के लिए www.indiaicsc.in के नाम से एक वेबसाइट भी इस गैंग ने बनाई हुई थी। पुलिस को अब ये शक है कि इनकी फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके डॉक्टर लोगों का फर्जी इलाज ना कर रहे हो। इस न्यूज में वही लोग हैं जो फॉरेन से आते हैं और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और फिर वो इलीगली इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं नकली सर्टिफिकेट बना के। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास कोई MBBS की डिग्री नहीं है, ना ही फॉरेन से ना ही इंडिया से, उन्होंने कोई भी छोटी मोटी डिग्री करी या फिर वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और उसी से वो पेशेंट का इलाज करना चालू कर देते हैं। हमारे घर पे भी वही आते हैं।
मजाक कर रहा हूँ। अब जो लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं या तो वापस जाते हैं फॉरेन वहां पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो इलीगली एक नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं और यहाँ पे इलीगली प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्टर पे शक है तो आप उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अगर आपको कोई भी डॉक्टर पे शक होता है तो आप उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछ सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से आप मेडिकल काउंसिल में जाके ये पता लगा सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट नंबर असली है या नहीं है। और अगर कोई भी रीजन से अगर आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं पूछ पाते हैं तो आप सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर को ज़रूर बताएं। थैंक यू।